स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। बारबाडोस में जो वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, उस वर्ल्ड कप के मैच की पल पल की अपडेट्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और देखिए, टीम इंडिया की जर्सी पहनी है, इसका मतलब ये कि टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और इंतजार है बस टॉस के नतीजे आने का। उस खबर पर जाएं, उससे पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ लाभार्थियों से संवाद किया है और उन्होंने सबसे पहले आरएएस परीक्षा पास करने वाली आकांक्षा दुबे से बात की है। आकांक्षा ने मुख्यमंत्री से कहा कि ये उनके लिए का क्षण है, क्योंकि उन्होंने अब तक इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को केवल बाहर से महसूस किया है और अब चूंकि वो इसका हिस्सा होंगी, ये उनके लिए गर्व का क्षण है। अपने बारे में भी बताइए कि आपने किस तरह से मेहनत की, आज आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या परेशानी आई और अब उन परेशानियों के बाद जो एक आपको तोहफा मिला है, कैसा लगा? सर, मैं राजस्थान के ही उदयपुर जिले की निवासी हूँ, आकांक्षा दुबे, और मैंने आरएस 2021 भर्ती परीक्षा में छठा स्थान प्राप्त किया था और मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा का पद आवंटित हुआ है। और सर, आपने जैसा पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैं काफी उत्साहित हूँ। और सर, जहां तक चुनौतियों की बात है, इस परीक्षा की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही की थी। परीक्षा 3 स्टेजेस में थी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों को ही मैंने सेल्फ स्टडी से तैयार किया था। और इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि DIPR जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका प्रकाशित होती है, सुजस पत्रिका, उससे हमें परीक्षाओं में काफी हेल्प मिली है। तो जो भी युवा साथी है वो उस पत्रिका को अवश्य पढ़े। अपने बारे में भी बताइए कि आपने वाणिज्य कर सेवा में, ये इनका जिला है डीग। नमस्ते सर, सर मेरा नाम वेद प्रकाश गुर्जर है और मैं डीग जिले की नगर तहसील का निवासी हूँ। सर, मैं आरएस भर्ती परीक्षा के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग में चयन हुआ है। सर, सबसे पहले मैं ये मंच प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। और सर, मैं एक व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ, मेरे छोटे भाई आदरणीय डॉक्टर साहब श्री वीरेंद्र सिंह जी ऑर्थोपेडिक सर्जन का, उनका बहुत रोल रहा है सर। वो कोरोना वॉरियर थे और उनकी प्रेरणा से सर मैं इस पद पर आने के लिए मैंने तैयारी शुरू की। और आपने जिस 27 मई से सर उनका प्रशिक्षण शुरू कराया सर, वो उनका जन्मदिन था, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं आरएस अधिकारी बनूं। सर, उनका जन्मदिन पे आपने मुझे अधिक ये तोहफा दिया है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं इस मंच से अपने माता पिता, परिवार और उन सभी प्रियजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मदद की सर। थैंक यू सर। ये वेद प्रकाश दूधो। सर, रिसेंटली आई हैव जॉइंड एज ए स्कूल लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन इन स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल दूधू। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रिक्रूटमेंट फॉर स्कूल लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन इन राजस्थान हैज कम। व्हेन आई केम टू नो दैट गवर्नमेंट हैज रिक्रूटेड स्कूल लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन, आई गॉट टीयर्स इन माई आईज एंड आई वॉज स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। This was my mixed emotion. I was crying and I was crying out of the happiness. This is the chance, this was the chance I needed. Sir, that time my son was 9 years old and I was working as a third grade physical education teacher in District Tong, managing household along with the job, and now I'm planning for preparing for the competition. Was no less than a big deal for me, big struggle for me. But what had to be done was to turn my dreams into reality. And today I'm a school lecturer in physical education. Thank you.